तो देखिए, एक तरफ ईरान और इसराइल के बीच जंग की आहट को लेकर मिडिल ईस्ट देशों में जो है वो तनाव देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ एशियाई देशों में भी तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को अफगानिस्तान की ओर से चुनौती दी गई है। अब कैसे पाकिस्तान बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में बवाल मचा है, श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश में हालात खराब हैं, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी खतरे की घंटी बजना शुरू हो चुकी है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर पर तोरखम इलाके में तालिबान ने पाकिस्तान की दो पोस्ट तबाह कर दी है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना में चेक पोस्ट बनाने को लेकर तोरखम में जंग चल रही है, तो जवाब में अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फाइटर जेट घुस चुके हैं। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी जंग के संकेत मिल रहे हैं? तालिबान और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है और पहली बार देख रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान की दो पोस्ट भी उड़ा दी है। ये एक रिटेलिएशन है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है तालिबान के ऊपर, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान में लड़ाई हो सकती है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ने के पीछे की वजह है टीटीपी आतंकी। इन्हीं आतंकियों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान में किलर ड्रोन और फाइटर जेट भेज रही है, लेकिन इस ऑपरेशन से अफगानिस्तानी सेना बुरी तरह भड़क गई है और यही वजह है कि दोनों ओर से लगातार गोलीबारी हो रही है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने दो अफगानी बच्चों और महिला की हत्या कर दी है। पलटवार में तालिबान ने भी बड़े एक्शन की खुली धमकी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी क्यों तालिबान को उकसा रही है, जबकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पहले से ही पाकिस्तान में हालात नाजुक हैं। पूर्व आईएसआई चीफ अवैध वसूली के केस में अरेस्ट हो चुका है, जिससे लगातार पाकिस्तान की थू थू हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये कोई पहली बार नहीं है जब तालिबान की तरफ से चेतावनी जारी की गई है पाकिस्तान के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं दुनिया सुपर फास्ट। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों के बीच एक और हिंदू मंदिर और घर में लगाई गई आग। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात होगी अब पाकिस्तान की। पाकिस्तान वैसे तो आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन कंगाली की राह पर आगे बढ़ते जा रहा है। भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को बार बार कामयाब करने की कोशिश में है। और इस वक्त देखिए, पाकिस्तान के चार आतंकी जो डोडा के करीब जंगलों में छिपे हैं, जिन्हें जहन्नुम पहुंचाने जाने के लिए ऑपरेशन भी लगातार जारी है। कैसे आतंकियों को बिल से निकालकर पाकिस्तान की नापाक साजिश को अंजाम देने में लगी है भारतीय सेना, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नई जगह, नए टारगेट और एक के बाद एक लगातार हमले। आतंकियों का यह पैटर्न जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने के अंदर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर कई बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन हर बार सुरक्षा बलों चट्टान की तरह उनके सामने आ गए, जिसकी वजह से हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हालांकि आतंकियों से लोहा लेने में देश के कई जवान शहीद भी हुए, लेकिन कोई भी आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन क्लीन के रास्ते में रोड़ा नहीं अटका सकी। इसी कड़ी में एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। पाकिस्तान के भेजे चार आतंकी डोडा के अस्सार इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी सुरक्षा बलों ने उनका रास्ता रोक लिया। जानकारी के मुताबिक अस्सार के पास जंगलों के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले ये चारों आतंकी पाकिस्तानी हैं, जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घाटी का माहौल खराब करने के लिए घुसपैठ की कोशिश में थे। लेकिन इससे पहले कि वो जंगल से निकल पाते, सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी की और धुंध का फायदा उठाकर वो जंगलों की तरफ भाग गए, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार देर शाम से शुरू हुआ यह ऑपरेशन वहां पूरी मुस्तैदी के साथ जारी है और सुरक्षा बलों के डर से आतंकी इस वक्त जंगल के रास्ते डोडा की तरफ निकल गए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने डोडा में भी अपना सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है और पूरे जंगली रास्तों पर सेना के जवानों का कब्जा है।
बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के भेजे गए चारों आतंकी पूरी तरह से घिर चुके हैं, लेकिन खराब मौसम इन आतंकियों के लिए ढाल बन रहा है, जिसके चलते वो अभी तक जंगलों में छिपे हैं। जाहिर है जंगलों और धुंध का फायदा उठाकर भले ही आतंकी जीने के लिए कुछ घंटों की मोहलत उधार ले लें, लेकिन आधुनिक हथियारों से लैस सेना के जवानों से जैसे ही उनका सामना होगा उनका जहन्नुम पहुंचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हर बार ये होता है कि स्वतंत्रता दिवस पर माहौल खराब करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जाती है। अब जम्मू कश्मीर में जो शांति आई है वो इन्हें कहीं ना कहीं खल रही है। यही वजह है कि लगातार घुसपैठ जैसी घटनाओं को अंजाम पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। पाकिस्तान अमन चैन से परेशान हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि खुद के देश में तो ये है नहीं। घाटी से आतंकी स्लीपर सेल का खात्मा अब यही कर रहे हैं हम। नापाक साजिश परवान नहीं चढ़ रही है, जैसे पाकिस्तान परेशान है। जंगली रास्तों पर भी सेना की नजर है, सेना चप्पे चप्पे पर तैनाती है और नजर बनाए हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ मुश्किल हो गई है, जिस वजह से जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने वाले हैं। अगले ही हफ्ते तक चुनाव का ऐलान भी संभव बताया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग आज गृह मंत्रालय से मिलने वाला है, जिसके बाद तारीखों का ऐलान होगा। अक्टूबर नवंबर में वोटिंग होने की उम्मीद है। पूरे 5 साल बाद यहां पर ये वोटिंग होने वाली, 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा और कहीं ना कहीं यही वजह है कि टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर का दौरा पहले भी चुनाव आयोग की तरफ से किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में आए बदलाव से स्थानीय लोग खुश है, लेकिन ये खुशी पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अलगाववादियों और आतंकियों में इसे लेकर के बेचैनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। देखिए, बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पहला बयान सामने आया है। वहां में जो हालात बने हुए हैं उसे लेकर उन्होंने चिंता तो जाहिर की और साथ ही साथ जो लोग वहां पर दंगा और प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की मांग अब उठाई गई है शेख हसीना की तरफ से। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि खालिदा जिया की तरफ से बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि शेख हसीना के खिलाफ जो है नरसंहार का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा किस तरीके से बांग्लादेश की पल-पल की सियासत बदल रही है और भविष्य में शेख हसीना आखिर कहां फिट बैठ रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के साथ ढाका में पिछले कई दिनों से हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है। 5 अगस्त से हिंदू के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर बांग्लादेश में हिंदू बेहद गुस्से में हैं। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदुओं ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसने नई सरकार को हिलाकर रख दिया है। ये हालात और तमाम तस्वीरें शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने और तख्तापलट के बाद की है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार शेख हसीना ने बयान जारी किया। उनके इस बयान को बेटे सजीव वाजिद जॉय ने एक्स पर शेयर किया। इस बयान में शेख हसीना ने अपने परिवार की कुर्बानियों को गिनाया। इसके अलावा उन्होंने बंग बंधु की प्रतिमाओं के अपमान पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। शेख हसीना ने कहा कि पिछले जुलाई से देश में आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा में कई जाने जा रही हैं। आतंकवादी हमलों के परिणाम स्वरूप मारे गए लोगों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की और आत्मा की शांति की प्रार्थना की। शेख हसीना ने मांग की कि हत्या और बर्बरता की उचित जांच की जाए और दोषियों की पहचान कर उन्हें उचित सजा दी जाए। साथ ही देशवासियों से 15 अगस्त को शोक दिवस मनाने की अपील की।